हेलो दोस्तों, कैसे हम सभी लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 2024 आगामी यामाहा XSR 155 के बारे में। दोस्तों इसका पूरा वर्कअराउंड लेके आया हूँ कि दोस्तों क्या इसका इंस्पिरेशन रहेगा, दोस्तों क्या इसका प्राइस रहेगा और दोस्तों कब ये लॉन्च होने वाली है और दोस्तों क्या इसमें खासियत यामा ने रखी है। तो दोस्तों पूरी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं 2024 आगामी XSR 155 के बारे में। तो दोस्तों कुछ खास बातें पहले जान लेते हैं कि आने वाली यामाहा XSR 155 को भारत में साल 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें 18.4 BHP की अधिकतम शक्ति के साथ 155 cc लिक्विड कूल्ड इंजन द्वारा संचालित होगी। दोस्तों यह रॉयल इनफील्ड हंटर को टक्कर देने वाली रेट्रो मोटरसाइकिल का वर्क अराउंड है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको पूरी जानकारी इसकी। दोस्तों यामा काफ़ी बहुमुखी एक बाइक निर्माता है और भारतीय बाजार में नए मॉडल पेश करने में काफ़ी सक्रिय रहती है। दोस्तों ब्रांड मुख्य रूप से देश में स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट को लक्षित करता है। हालांकि भारतीय ग्राहक लंबे समय से जापानी दो पहिया वाहन निर्माता के न्यू रेट्रो मोटरसाइकिल का इंतजार भी कर रहे हैं। यामा XSR 155 रेट्रो मोटरसाइकिल एक बहुप्रशिक्षित मॉडल है और कंपनी इसे वर्ष 2024 में ही भारतीय पर लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपके लिए यामा से पहले एक नजर डालने के लिए दो पहिया वाहन का एक वॉक अराउंड लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं ये कैसी दिखेगी। दोस्तों यामा XSR 155 डिज़ाइन का एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह स्पष्ट रूप से सभी कोणों से एक नव रेट्रो मोटरसाइकिल जैसा दिखता है। इस वॉक अराउंड वीडियो में आपको बाइक यामा XSR 155 का वर्ल्ड GP 60 वर्षीय वर्षगांठ संस्करण है और इसे विशेष संस्करण में लाल सफ़ेद रंग संयोजन के साथ मिश्र धातु पहियों के लिए गोल्डन शेड के साथ एक स्पोर्ट्स हेरिटेज पोशाक शामिल है। दोस्तों आगे की ओर बात करें तो इसमें LED लाइट सेटअप के साथ एक क्लासिक गोल्ड हेडलैम्प मिलता है जिसके दोनों सिरों पर इंडिकेटर हैलोजन हैं और वही जो हमने भारतीय स्पोक MT15 वर्जन 2 में देखा था। दोस्तों दोनों किनारों की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं तो दो पहिया वाहन में 10.4 लीटर भारी दिखने वाला फ्यूल टैंक है के साथ न्यूनतम बॉडी पैनल भी है। सीट लगभग एकदम सीधी है और रेट्रो मोटरसाइकिल की तरह है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक पूर्ण डिजिटल होने वाला है। दोस्तों पीछे की ओर अगर बात करते हैं तो एक ऊपर उठी पूंछ के समान गोल LED टेल लाइट मुख्य रूप से डिजाइन है और इसमें टायर बड़े मोटे और गोल्ड USD फोकस और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन डिपार्टमेंट को संभालता है। दोस्तों दोनों पहियों में मोटे दिखने वाले टायर्स लगे हुए हैं जैसे आपने ब्रेकिंग सिस्टम MT15 2.0 में देखा था। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यामाहा 2024 XSR 155 किस प्लेटफॉर्म और क्या पावर ट्रेन आपको देने वाला है। दोस्तों जबकि यामा XSR 155 नव रेट्रो डिज़ाइन वाली का अनुसरण करता है, इसके नीचे ब्रांड की एक मोटरसाइकिल MT15 2.0 की प्रतिकृति है क्योंकि यह उसी डेल्टा बॉक्स फ्रेम पर बैठती है। यह परिचित 155 cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित होगी जिसका उपयोग R15 V4 के साथ साथ MT15 में भी किया जाता है। दोस्तों पावर हाउस VVA वेरिएबल वॉल्व एजुकेशन टेक्निक पर उपयोग करता है और पावर आउटपुट 18.4 BHP और 14.1 NM का पीक टॉर्क का जनरेट करता है। तो दोस्तों अगर आप यामा XSR 155 लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा, एज 2024 किसी भी महीने में लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों यह आपको 2 लाख के करीब में पड़ने वाली है तो दोस्तों आपको यह ज़रूर लेना चाहिए बाइक क्योंकि यामा बहुत ही अच्छी बाइक्स बनाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि मैं डेली ऐसी बाइक के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में।